हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एफसीएसआर क्लासेस। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 किया था कॉस्ट अकाउंटिंग मटेरियल चैप्टर से, आज लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स वेयर कलेक्टेड फॉर द ईयर 2002 फ्रॉम द कंपनी। नॉर्मल यूसेज 100, मिनिमम कंजम्पशन है 50 यूनिट पर वीक है, मैक्सिमम यूसेज पर वीक 150 है, रीऑर्डर क्वान्टिटी 4 to 2, रीऑर्डर पीरियड कितना 4 to 6 वीक है, रीऑर्डर क्वांटिटी 200 यूनिट्स है, 2000 यूनिट्स है, लेकिन फाइंड आउट करना है हमको रीऑर्डर लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल एंड एवरेज स्टॉक लेवल। ठीक है, फर्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल करते हैं हम, यहाँ पे देखते हैं फार्मूला। फार्मूला है नंबर 1, ये देखिए टाइम भी वीक दिया है और यूनिट्स भी क्या, मिनिमम मैक्सिमम कंजम्पशन यूनिट्स भी क्या वीक लिया है, तो इसको चेंजेस नहीं करते, डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला आर एल इज इक्वल टू मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम डिलीवरी रेट। मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है, जैसे भी दिया है हमें, मैक्सिमम कंजम्पशन है, मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है 150 और मिनिमम कितना है 50। मैक्सिमम कंजम्पशन है यहाँ पे 150 इंटू मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड कितना है 4 to 6 वीक्स है, 4 क्या मिनिमम है, मैक्सिमम कितना है 6 है, तो 150 इंटू सिक्स कितना होगा 900 यूनिट्स। चलिए नेक्स्ट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम स्टॉक लेवल MSL। मिनिमम स्टॉक लेवल इज इक्वल टू फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज डिलीवरी पीरियड। रीऑर्डर लेवल फंडेड किया हमने कितना है 900 है, माइनस एवरेज कंजम्पशन। एवरेज कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या है, मिनिमम मैक्सिमम कंजम्पशन प्लस मिनिमम कंजम्पशन डिवाइडेड बाई 2। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट दिया है नॉर्मल कंजम्पशन, यानी कि एवरेज डायरेक्ट दिया है, यहाँ पर डायरेक्ट लेना होगा हम नॉर्मल क्या है, मिनिमम है मैक्सिमम कितना है 100 यूनिट्स है, तो टोटल हम करेंगे कि 150 प्लस 50 के 200 पे 2 करेंगे ना 100 आएगा, तो यहाँ पे दिया है क्लियर लिंग हम यहाँ पे एवरेज कंजम्पशन 100 इंटू ADP नहीं दिया गया है, हम उसको साइड में करेंगे, ADP इज इक्वल टू मिनिमम कंजम्पशन प्लस मिनिमम डिलीवरी पीरियड प्लस मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड डिवाइडेड टू मिनिमम कितना है 4 + 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना है 10/2, टोटल कितना है एवरेज 5, 900 माइनस 500, तो मिनिमम मैक्सिमम स्टॉक लेवल आएगा टोटल 400। नेक्स्ट है थर्ड वन, कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला, रीऑर्डर लेवल प्लस ऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम डिलीवरी रेट। आरएल जो हमने फंडेड किया था 900 प्लस ऑर्डर क्वांटिटी, ये डायरेक्ट प्रॉब्लम में देता है, ऑर्डर क्वांटिटी देखो यहाँ पर कितना है, ऑर्डर क्वांटिटी 2000 माइनस मिनिमम कंजम्पशन यहाँ पे दिया था कितना 50 यूनिट्स इंटू मिनिमम डिलीवरी पीरियड कितना है 4,
तो आएगा 9,2900 1,900 प्लस 2,900 माइनस 50 × 4 कितना 200 तो 2,900 माइनस 200 2,700 ये है मैक्सिमम स्टॉप लॉस। नेक्स्ट है फोर्थ वन कैलकुलेशन ऑफ एवरेज स्टॉक लेवल कैलकुलेशन ऑफ एवरेज स्टॉक लेवल एवरेज स्टॉक लेवल इज इक्वल टू एवरेज स्टॉक लेवल इज इक्वल टू मैक्सिमम कंजम्पशन मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाय टू। मैक्सिमम स्टॉक लेवल का जो आंसर आया था हमारा कितना था 2,700 प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल का जितना आंसर था कितना 400 इज इक्वल टू 3,100 डिवाइडेड बाय टू। 3,100 डिवाइडेड बाई टू कितना होगा 1,550 यूनिट्स 1,550 यूनिट्स। ये हो गया टोटल फोर क्वेश्चंस रीऑर्डर लेवल मिनिमम स्टॉक लेवल मैक्सिमम स्टॉक लेवल एवरेज स्टॉक लेवल। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर।